नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। अगर आप हमारे वीडियोस को YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर Facebook पेज पर देख रहे हैं या Insta पेज पर देख रहे हैं, Insta ID पर देख रहे हैं, तो PMSU बिहार को फॉलो कर लें। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जो स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ है, पटना जिला से जुड़ा हुआ है, किस तरह से आम आवाम के स्वास्थ्य से सरकार खिलवाड़ कर रही है, उसका एक जीता जागता उदाहरण मैं आप सबके बीच रख रहा हूं। पटना जिला में 75% पारा मेडिकल कर्मी के पद रिक्त हैं। 75% पारा मेडिकल कर्मी के पद रिक्त हैं, यानी कि 278 पारा मेडिकल कर्मी के पोस्ट पटना जिला में, जो सिविल जिला अस्पताल, सदर अस्पताल है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, ट्रॉमा सेंटर है, और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, रेफरल अस्पताल है, अनुमंडलीय अस्पताल है, इन अस्पतालों में जो 278 पोस्ट हैं पारा मेडिकल कर्मियों के, वो स्वीकृत हैं, और उसमें 209 पद जो है सो खाली है। हम आपको एक आंकड़ा बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा और अपने मन में इस बात को टटोलिएगा कि सरकार किस तरह झूठी घोषणा करती है और आम आवाम के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करती है। सिर्फ सरकार अस्पतालें बना रही है, उद्घाटन हो रहा है, लेकिन कहीं कुछ नहीं है। ट्रॉमा सेंटर आपको पता है, ट्रॉमा सेंटर एकमात्र पटना जिला में मोकामा में है, जिसमें 11 स्टाफ का पद सृजित है, लेकिन उसमें एक भी स्टाफ नहीं है, यानी कि ना ओटी असिस्टेंट है, ना ड्रेसर है, ना एक्सरे टेक्नीशियन है, कोई पद वहां नहीं है। और मैं आपको एक मोटा मोटी जानकारी दे रहा हूं, टोटल अस्पताल 29 है पटना में, पटना जिला में, जिसमें सदर अस्पताल है, गुरु गोविंद सिंह सदर अस्पताल पटना सिटी, अनुमंडलीय अस्पताल पालीगंज, मसौढ़ी, बाढ़, दानापुर, ये चार अनुमंडलीय अस्पताल है। इसके अलावा फुलवाड़ी शरीफ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, और भी दनियावा में है, कई सारे हैं। टोटल जो है सो 29 अस्पताल हैं, जिसमें ओटी असिस्टेंट के 36 पद सृजित हैं इन सभी अस्पतालों में। और आपको आश्चर्य होगा जानकर कि वो 36 पद जो सृजित हैं उसके अगेंस्ट में मात्र 3 लोग कार्यरत हैं, यानी कि 33 पद खाली है ओटी असिस्टेंट का। अब आए लेबोरेटरी टेक्नीशियन का 99 पद सृजित है पटना में, पटना जिला में, जिसमें 44 पद पे लोग पोस्टेड हैं और 55 पोस्ट जो है सो खाली है। मतलब 99 में 55 पोस्ट लेबोरेटरी टेक्नीशियन का खाली है। अब एक्सरे टेक्नीशियन की बात हम कर लेते हैं, एक्सरे टेक्नीशियन में 33 पद सृजित है पटना जिला में। आप लोग इसमें ये बात यहां बताना जरूरी है कि मेडिकल कॉलेज इससे अलग है, जो भी मेडिकल कॉलेज पटना में है वो इससे अलग है, उसमें जो स्टाफ्स हैं उसका गिनती हम नहीं बता रहे हैं, और उसमें क्या खाली है उसका भी बात अभी हम सिर्फ पटना जिला के अस्पताल जो सिविल सर्जन के दायरे में है उसकी जानकारी दें। एक्सरे टेक्नीशियन में टोटल 33 पोस्ट है, जिसमें 6 पद पर सिर्फ पोस्टेड लोग हैं, कर्मचारी है, अदर 27 पोस्ट जो है वो खाली है। अब आप समझिए कि 33 पोस्ट में 27 पद खाली है, तो उस जिला अस्पताल, उस अस्पताल में जब कर्मी जा रहा होगा तो क्या हो रहा होगा? वहां तो सिर्फ रेफर हो रहा होगा, हायर सेंटर। अब आदमी का तो जान चला ही जाता है। अब हम बात करते हैं सैनिटरी इंस्पेक्टर, जिस पर स्वच्छता की पूरी जवाबदेही होती है। सैनिटरी इंस्पेक्टर मात्र 2 लोग हैं पोस्टेड, 9 सीट सृजित है जिसमें 2 लोग पोस्टेड हैं, 7 सीट पटना में खाली है। ऑप्थाल्मिक असिस्टेंट की हम बात कर रहे हैं, ऑप्थाल्मिक में 12 लोग पोस्टेड हैं, 15 पद स्वीकृत है और 3 खाली है। अब हम बात कर रहे हैं ड्रेसर, आपको भी पता होगा कि ड्रेसर कितना महत्वपूर्ण है, छोटे मोटे घावों के ड्रेसिंग करने के लिए, एक्सीडेंटल केस के लिए, या फिर किसी भी तरह का छोटा मोटा सर्जरी हो उसमें भी, और ड्रेसिंग करने के लिए ड्रेसर का 86 पोस्ट जो है सो सृजित है, लेकिन उसमें मात्र 2 लोग पटना जिला में पोस्टेड हैं और सारा पद रिक्त है। इस पर अभी भी बहाली की कोई चर्चा नहीं है,
सरकार आजकल कभी कुछ कह रही है, कभी चुनाव बात कर रही है, जब आंदोलन होता है तो चुनाव बात। पिछले ओटी असिस्टेंट एक्सरे टेक्नीशियन इसी टेक्नीशियन की भी बहाली लंबित है, आप सब जानते हैं। हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे थे, उसके बावजूद वैकेंसी आई थी, लेकिन अंतिम समय में तेजस्वी जी जब स्वास्थ्य मंत्री थे उन्होंने रद्द कर दिया 4 दिसंबर को। और जब सरकार बनी है उसके बाद चुनाव की घोषणा हो गई है, हम लोग लगातार प्रयासरत हैं और फिर चुनाव बाद हम लोग इस पर मिलेंगे और उसके बाद जो अपडेट आएगी मैं आप सबको जरूर दूंगा। लेकिन फिलहाल इतना आप सब जान रहे हैं कि क्या स्थिति है। आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, भविष्य में जो भी बातें होगी पैरामेडिकल हित में होगा, मैं आप सबको स्वास्थ्य से जुड़े तमाम विषयों की जानकारी दूंगा। धन्यवाद।